एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे, और सचिन के टाइम पर जब भी उनकी आलोचना करी जाती थी तब वो बल्ले से जवाब देते थे। और आज का टाइम है विराट कोहली का, जब कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाते हैं तो कोहली बल्ले से तो जवाब देता ही है लेकिन मुंह से भी जवाब देता है। मतलब कल के मैच में जब 195 के स्ट्राइक रेट के साथ में कोहली ने 95 रन स्कोर किए, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनकी इनिंग के बारे में पूछा गया तब बंदे ने एक ही बात कही कि मैं तो सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को लेकर चिंता में था क्योंकि मुझे थ्रू आउट दी नहीं उसको मेंटेन करना था, और उसके बाद बंदे ने हंस दिया। दरअसल ये जो जवाब था ना, ये कोहली का उन सब एनालिसिस करने वाले, क्रिटिक करने वाले लोगों को जवाब था जो लगातार पिछले कुछ समय से कोहली को टारगेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कोहली इस बार के आईपीएल में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट और 25 से ज्यादा छक्कों के साथ में एवरेज 70 का है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कोहली की इन अचीवमेंट्स को कमतर आंकते हैं या उनको लगता है कि शायद ये अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स गिनने लायक है ही नहीं। अब बात यही आ जाती है ना कि विराट कोहली की जगह अगर कोई और बैट्समैन होता तो शायद इन चीजों को इग्नोर कर देता, बट विराट कोहली इन टू द फेस वाला बंदा है और इसलिए जवाब भी दे रहा है। और हमको तो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए सुनील गावस्कर जैसे कमेंटेटर्स का जो कि वाकई में विराट कोहली के इस रूप को बाहर लाने के जिम्मेदार है। सुनील गावस्कर ने ही कमेंट्री के दौरान एक कंप्लेंट रेस करी थी कि भैया विराट कोहली ने जो कमेंटेटर्स को लेकर बयान दिया है उसको आप बार बार क्यों चला रहे हो। दरअसल वहां पर सुनील गावस्कर का मानना यह था कि भाई ये तो कमेंटेटर्स की सरासर बेइज्जती है जो कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए ही कमेंट्री कर रहे हैं और आप हमारी ही बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब सुनील गावस्कर का कहना यह था कि हम अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठकर चाहे जो वो कह सकते हैं लेकिन प्लेयर हमको जवाब नहीं दे सकता। वहां पर गावस्कर साहब का यह भी कहना था कि मैंने जिस मैच को देखा उसमें ये 118 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बाकी मैचेस में देखता नहीं जिसमें कि मैं कॉमेंट्री नहीं कर रहा होता हूं। तो भैया ये आपकी गलती है ना, अगर आप पूरे मैचेस नहीं देख रहे हो तो ये आपकी गलती है। और फिर आप जब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, गावस्कर साहब की बात कर रहा हूं, तो मुझे दो चीजें याद आती हैं। पहला तो वो कमला पसंद जो गुटके का आप ऐड करते रहते हैं वो, और दूसरा मुझे याद आती है आपकी वो टुक टुक इनिंग जिसमें आपने 174 बॉल्स खेलकर 36 रन बनाए थे 20 के स्ट्राइक रेट से, और ये एक वनडे मैच था जिसमें कि इंडिया 330 का टारगेट चेस कर रही थी। और जब से एक इंटरव्यू जब एक इंटरव्यू में महाशय से इस बात को लेकर पूछा गया इनके स्ट्राइक रेट को लेकर, तो इनका कहना था कि शायद हमारे बॉलर्स ने ज्यादा रन खा लिए, मतलब आप देखिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन महान बल्लेबाज है इसलिए हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली की इस शानदार पारी ने जहां एक तरफ अपने सारे क्रिटिक्स को जवाब दे दिया, वहीं दूसरी तरफ यह भी बात बता दिया कि भैया उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज है नहीं। सिर्फ 103 रन चाहिए विराट कोहली को अब आईपीएल में अपने 8000 रन पूरे करने के लिए। और ये बात भी तय है कि कोई कितना ही क्रिटिसाइज कर ले कोहली को, जब बारी आएगी ना वर्ल्ड कप में रन बनाने की तब यही कोहली आपको खड़ा हुआ मिलेगा। अब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो कमेंटेटर्स हैं और जितने भी लोग बैठकर अपनी राय मशवरे देते रहते हैं कि कोहली ऐसी बैटिंग करता, कोहली वैसी बैटिंग करता, कोहली ने ये कर दिया, कोहली ने वो कर दिया, मुझे लगता है उन लोगों को थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि एक प्लेयर के तौर पर कोहली अपनी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है। और उसी के समकक्ष मतलब अगर हम देखें कि T20 वर्ल्ड कप की टीम में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप रोहित शर्मा की बात कर लें, जायसवाल की बात कर लें, आप सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, आप कोहली की बात कर लें, आप पंत की बात कर लें, आप सैमसन की बात कर लें, आप हार्दिक की बात कर लें, आप शिवम दुबे की बात कर लें, आप जडेजा की बात कर लें, आप अक्षर पटेल की बात कर लें, ये 10 नाम मैंने आपको इन टोटल गिनाए हैं। इन 10 बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर्स के बीच में आपको कौन बेस्ट बैट्समैन दिखाई पड़ता है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी आपको देखनी होगी, स्ट्राइक रेट आपको देखना होगा, एवरेज आपको देखना होगा, और इन सब चीजों को मिलाकर जब कुछ कंक्लूसिव एविडेंस आपके सामने निकल कर आए तब आप बखूबी बात करिएगा। लेकिन बिना इन सब चीजों को पैमाने के ऊपर लिए अगर आप बकवास करने की सोचेंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर इस समय एक गजब का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है सुनील गावस्कर जी और विराट कोहली का जो पूरा फियास्को हुआ था उसको लेकर। सर वो भी देख लेते हैं कि वहां पर पब्लिक का क्या कुछ कहना है, क्योंकि भाई आखिर में पब्लिक का ओपिनियन ही तो हर जगह पर मैटर करता है। तो यहां पर आप देखिए अभिषेक गोयल जी ने लिखा है कि सुनील गावस्कर ने कहा था कि वो पावर प्ले के बाहर बैटिंग नहीं कर सकता, वो स्कोर को तेजी से बढ़ा नहीं सकता, वो छक्के नहीं मार सकता, उसका अप्रोच जो है वो काफी पुराना है, वो T20 को नहीं खेल सकता। और यहां पर कोहली के 630 से ज्यादा रन हो चुके हैं, 155 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है, 30 से ज्यादा छक्के हैं, 71 के एवरेज है, ऑरेंज कैप का वो होल्डर है। हे टुक टुक सनी, गो वॉच हिज इनिंग्स रिप्ले इन लूप, मतलब जाओ और लूप में कोहली की इस पारी को देखो, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। सही भी कहा।
ये वो इंटरव्यू है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था ना, जब इनसे 174 बॉल वाली बात पूछी गई थी। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या कहा था, इट माइट सीम लाइक, मतलब ऐसा हो सकता है कि लगे कि मैं स्लो हूं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे बॉलर्स ने कुछ ज्यादा ही रन दे दी। मतलब क्या लगा के बैठे थे भाई साहब। ये वो स्कोर कार्ड है, यहां पर आप देखिए सुनील गावस्कर ने 174 बॉल्स में 36 बनाए थे, एक चौका था और 20 का स्ट्राइक रेट था। जब ये लोग टारगेट चेस कर रहे थे यहां देखिए 335 का, और इंडिया ने बनाए थे 132 रन 60 ओवरों में। क्या बोलेंगे अब आप इसके बारे में, जरा अपने राय मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑल्सो सुनील गावस्कर व्हेन कोहली वॉन दैट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन एमसीजी, अकॉर्डिंग टू हिम नो वन कैन से एनीथिंग टू कमेंटेटर्स बट दे कैन क्राई ऑल डे। मतलब कि कमेंटेटर्स चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं बट प्लेयर्स पलट के अगर जवाब देंगे तो अच्छा ना होगा। क्रॉसिंग 600 प्लस रन 4 टाइम्स इन आईपीएल इज नॉट अ कप ऑफ कॉफी फॉर एवरीवन। एक्चुअली में यही फैक्ट है। इट्स नॉट जस्ट अ शॉट, इट्स अ स्लैप ऑन हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर एंड अदर्स, एक्सेल शीट मर्चेंट, किंग कोहली द गोट। थैंक यू सुनील गावस्कर, थैंक यू इसलिए कि भैया कोहली इस रूप में भी हमको दिखाई दे रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट एन इनिंग्स इनिंग्स, इट्स अ स्लैप ऑन हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर। नाउ चेक द स्ट्राइक रेट, किंग कोहली द गोट, 195 के स्ट्राइक रेट रन बनाए थे कोहली ने। फादर ऑफ सुनील गावस्कर, सेल्फलेस विराट कोहली, यहां पर आप देख सकते हैं। नो वन, विराट कोहली टू सुनील गावस्कर आफ्टर टुडेज इनिंग, सलाम ठोक सर झुका अपना। I was focused on keeping my strike rate high throughout the innings. अब ये जो जवाब था ये भी किसके लिए था आप जानते ही हैं। Experts, Excel sheet merchants, यहां पर कुछ इस तरीके से अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। Super Sixes awards in IPL 2024, Kohli 2, selfless six hitting machine, मतलब ये रोहित शर्मा को लेकर बात कही जा रही है। Another 600 plus run season with 150 strike rate, agenda peddlers can cry whole night now. By the way, this is dream for Vada Pav and Dhobi. अब ये आप लोग समझ सकते हैं भाई इनका क्या कुछ कहना है। ये हो सकता है कि भाई मतलब फैन हो किसी एक पर्टिकुलर के, तो ये पूरा समय सिनेरियो जो है आईपीएल में बना हुआ है, और इसी सिनेरियो को देखते हुए बार बार ये बात जहन में आती है कि आखिर विराट कोहली को अच्छा खेलने के बावजूद भी क्यों इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, क्या इस बात की मजबूरी है, क्या कारण है कि हमेशा यही रिसीविंग पॉइंट पर रहते हैं स्कोर करने के बाद भी, रन बनाने के बाद भी। जब इनका एक आउट ऑफ द फॉर्म का पैच चल रहा था तब भी इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौरान कोहली सिर्फ सेंचुरी नहीं मार रहे थे, हाफ सेंचुरी तो तब भी ठीक ठाक लेवल पर आ ही रही थी। बट बात वही होती है ना कि यार हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर कि आप कितना ही कुछ कर लें, आप कितना ही ओवर अचीव कर लें, सामने वाले के अकॉर्डिंगली अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी नजरों में उतर ही जाएंगे। दुनिया को आपकी 10 अच्छाइयां नहीं बल्कि एक बुराई ज्यादा याद रहती है, और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं उसी चीज को देख रहे हैं। और मुझे बंदे का एटीट्यूड में यही चीज अच्छी लगती है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, वो इस कहावत पे भरोसा रखते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। बस फर्क यह है कि हाथी के ऊपर बैठकर नीचे बैठे हुए कुत्तों को डंडे भी टोचते रहते हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।